क्लास नाइन्थ फ्रॉम एनसीईआरटी चैप्टर सिक्स लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 98। एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हम जानते हैं कि आप ये सभी चीज़ें प्रॉपर्टीज मालूम होगी, लेकिन हम आज आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि को इंटीरियर एंगल्स कैसे इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर सम ऑफ को इंटीरियर 180 डिग्री कैसे होता है, इसे आज हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, जिससे आपका एक्सरसाइज बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्यों होते हैं। सो प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे इस हेडिंग का मतलब क्या है। पैरेलल लाइंस, अगर आपके पास टू पैरेलल लाइंस हैं तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल नहीं हैं और कोई भी एक लाइन ट्रांसवर्सल है तो इसमें आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि सर दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, नो दिस इज रॉन्ग। व्हेन इट इज़ पॉसिबल देन टू लाइंस आर पैरेलल, मतलब इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड वन अनदर ट्रांसवर्सल, मतलब जब आपके पास दो लाइंस पैरेलल होंगी तभी आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ट्रांसवर्सल, जो भी आपकी पैरेलल लाइंस होगी उसमें अगर कोई भी लाइन पास थ्रू होती है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये जो लाइन आपकी गई है ये ट्रांसवर्सल है। अब चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कि एग्जैक्ट हमारी जो प्रॉपर्टी वो है क्या। तो इसके लिए एक लाइन आप ड्रा करें, ये हमने एक लाइन ड्रा कर लिया, इसे एरो दे दें, एक लाइन हो गई, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आप ले लीजिए कहीं पे भी, ये हमने एक पॉइंट ले लिया क्योंकि हमें पहले पैरेलल लाइन ड्रा करना है। तो पैरेलल लाइन के लिए हम 60 डिग्री कोई भी डिग्री ले लीजिए, आपको मालूम होगा 90 डिग्री आप कैसे ड्रा करते थे, वैसे ही आप यहाँ पे एक 60 डिग्री का या फिर आप पूरा सर्कल ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो पूरा यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रा कर लीजिए और इसका डिस्टेंस बिना चेंज किए इस साइड आप रख के एक बार आप आर कट करेंगे तो कितने डिग्री का होता है, आल्सो यू नो दैट 60 डिग्री। सेकंड कट करेंगे 120 और थर्ड कट करेंगे तो आपका 180 हो जाएगा। अब ये दो जो पॉइंट्स हैं इसको ऐड कर दीजिए और एक लाइन आप ड्रा कर दीजिए, ये हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है। देखिए उसी पास हुई, यहाँ पे जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए। इस लाइन पे ये जो रे है इसमें कहीं पे भी आप पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे। चलिए हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और हमने अभी 60 डिग्री देखिए, हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, वही लाइन है, देखिए वही लाइन है, कोई भी चेंजेस नहीं है, वही है। तो इस पॉइंट पे भी रख के आप उतना ही डिग्री यहाँ पे भी ड्रा कर लीजिए। श्योर है इस लाइन में भी हम ऐसे करें तो हमारा 180 डिग्री ड्रा हो जाएगा। ये देखिए फिर से हमने करना स्टार्ट कर दिया, ये देखिए ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमें 180 से क्या मतलब, हमें तो 60 डिग्री चाहिए। फिर आप इस पॉइंट पे आइए जहाँ पे आपने स्टार्ट किया, ये पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे कहीं कट कर दीजिए। तो जहाँ पे ये कट हुआ उस पॉइंट को आप इंडिकेट कर लीजिए। अब श्योर है कि इसे अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाएगा, आपका पैरेलल लाइन, एग्जैक्ट, क्लियर। ये हो गया आपका पैरेलल लाइन, अब आप चेक कर सकते हैं ये आपका पैरेलल लाइन हुआ। अब गौर से समझिए ये कितने डिग्री था ये बताइए। देखिए ये लाइन हमने पास किया, ये एक रे हुआ, अगर हम इसे और आगे तक जाने दें, ये अभी भी ट्रांसवर्सल है, ऐसा नहीं कि ट्रांसवर्सल नहीं है, ट्रांसवर्सल है। हमें तो स्टडी करना है, इसके बारे में पढ़ना है, पूरी प्रॉपर्टी मालूम करनी है, तो इसके लिए एक लाइन और आगे तक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। हमने 60 कर लिया, सिंपल। अब ये आपका आगे तक आ गया, अब आप ये बताएं ये कितने डिग्री है। तो आप यहाँ स्टैंड होके देखेंगे ऐसे करके, तो ये आपको 60 डिग्री नज़र आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए ये आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री यहाँ पे भी देखेंगे तो 60 डिग्री होगा, ये देखिए एग्जैक्ट 60 डिग्री है, उसके ऊपर ही है या नहीं। चलिए मतलब ये क्लियर हुआ कि ये आपका 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री, हमने अभी प्रैक्टिकल दिखाया। अब बताइए इसे आप टू पैरेलल लाइंस में जब ट्रांसवर्सल होता है तो इसे आप क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, सर दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। चलिए फर्स्ट नेम आपको क्लियर हुआ, अल्टरनेट
इंटीरियर। अच्छा इसे इंटीरियर क्यों बोलते हैं? इंटीरियर, इंटीरियर मतलब इंटर, इंट मतलब अंदर का, जो अंदर होते हैं उसे इंटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीरियर। और जो बाहर होते हैं एंगल उसे एक्सटीरियर बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, जो हम ये सर्कल ड्रा किए, ये सर्कल जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है ये कितने डिग्री का होता है? तो आप प्रोटेक्टर में देख लीजिए कितने डिग्री का होता है, जीरो से पूरा राउंड होकर 180 डिग्री तक। अब ये बताइए अगर हम ये प्रोटेक्टर को 60 तक ब्रेक कर दें या तोड़ दें, यहाँ तक हमने क्लोज कर दिया, तो बताइए इसमें कितने एंगल आपको दिख रहे हैं? तो 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, तो 120, जहाँ 60 हमने ब्रेक किया वहाँ क्या दिखेगा? 120। तो ये बताइए ये 60 है तो ये कितना होगा? श्योर है ये 120 होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये कितना होगा ये बताइए? ये 60 है तो ये भी 120 होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हमें क्या यहाँ पे शो हुआ? अगर आप नेम शो करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल नेम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 60 को ए कर लिया, ठीक है, 20 को बी कर लिया, ठीक है, और 60 को हमने ये 60 को सी कर लिया, और ये 120 को हमने डी कर दिया। चलिए अभी जहाँ तक पढ़ना है उतना ही समझते हैं। तो देखिए आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या प्रूफ हुआ? ए से सी, तो एंगल ए जो है वो एंगल सी इक्वल है, कितने डिग्री है गौर से देख लीजिए, 60 प्रूफ हो गया। चलिए डी और बी को भी देख लें, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये कितने डिग्री है? 120। चलिए अल्टरनेट इंटीरियर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जो हमें मिलते जा रहे हैं वही करेंगे। चलिए अब यहाँ पे गौर से देखिए, हम ये लाइन, ये देखिए ये सेमी सर्कल हम यहाँ पूरी कंप्लीट कर रहे थे, ये हमने कर दिया, और अगर ये लाइन और आगे तक जाएगी ऐसे हो गई, हमने थोड़ा सा ड्रा कर लिया, तो ये सेमी सर्कल है ना, अब इसे क्लोज कर लीजिए ना। अब आप बताएं इसे भी क्लोज कर लीजिए, फिंगर्स हमने क्लोज कर दिए, जितना आपको दिख रहा है सिर्फ उसको देखिए, ये कितने डिग्री है? 60। तो ये कितना होगा? अभी हमने प्रोटेक्टर से आपको दिखाया 120 होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, किससे? लीनियर पेयर एंगल, एक्सरसाइज 6.1। चलिए अब ये 120 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? बिल्कुल हुआ। अब ये बताइए इसे पूरा क्लोज कर लें, कर लिए। अब ये एंगल को देखिए, ये 120 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना था? 60। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो यहाँ भी आप 60 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताइए इसे और आगे तक, इसे एक सर्कल बना दीजिए आप सीधे, अब कुछ मत बताइए, ये हो गया। अब इतना अगर हम क्लोज कर लें तो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, ये 120 है तो ये कितना होगा? ये भी 60 होगा, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आप मेज़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ क्लोज कर दें ऐसे फिंगर से, तो ये कितने डिग्री है? 60। तो ये कितना होगा? 120। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए नेम लिख लीजिए, कहाँ तक हुआ? डी, इसे ई कर लें, इसे एफ कर लें, इसे जी कर लें, इसे एच कर लें, सिंपल। अब चलिए बाहर भी देख लें, बाहर एक्सटीरियर, ये तो हुआ अल्टरनेट। अब आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंगल्स। चलिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पे आते हैं, तो देखिए बाहर कितना है? 120। तो इसका बाहर देखिए अल्टरनेट, जैसे हमने अभी कॉर्नर कॉर्नर किया ना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप में, यहाँ भी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 120 का, ये 120 है कि नहीं है? बिल्कुल है, हाँ या ना बोलिए, है? देखिए एक कॉर्नर मारिए 120 है ना, किसके साथ है ये? एफ के साथ एच, तो एंगल एफ इक्वल टू एंगल एच, सिंपल। अब इस कॉर्नर को क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, ये 60 तो ये 60 है या नहीं? बिल्कुल है, किसके साथ? एंगल ई के साथ एंगल जी। अब आप बोलेंगे सर 120 60 120 60 हर जगह है तो क्यों ना सब इक्वल हो जाए? ऐसा नहीं है, आप बताइए कैसे इक्वल करेंगे? अब आप देखिए, चलिए चेक ही कर लीजिए, देखिए 120 यहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है 120? ये है, दिख रहा है, इसे आप क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, बताने की ज़रूरत नहीं, एक्सरसाइज 6.1 में ऑलरेडी आप पढ़े हैं। चलिए और देखिए 120 कहाँ है, ये है 120, अभी हमने आपसे बताया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ये 120 दिख रहा है, इसी को तो बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल,
सिंपल। तो चलिए एक्सटीरियर भी हो गया, अब आते हैं कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। चलिए अब आए एकदम सेम सेम, देखिए देखिए यहाँ 60 है, तो भाई 60 कहाँ है ये बस बताइए, ये 60, ये 60, क्या है ये दोनों है आपका सेम जगह, कोरस्पोंडिंग मतलब एक जगह यानी एक जैसा। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक अनदर ट्रायंगल बनाया, अब बताइए ये कोने का इसमें सेम जगह कहाँ पे है, तो यही जगह है ना, तो इसी को तो बोलते हैं कोरस्पोंडिंग, जो एक ही जैसे एक ही जगह पे हो उसे हम कोरस्पोंडिंग बोलते हैं। अगर दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल हुआ, तो श्योर है इस जगह का कोरस्पोंडिंग यही जगह होगा ना, दूसरा तो नहीं हो सकता, उसके नीचे तो नहीं हो सकता। भाई अगर हम इसे क्लोज कर दें फिंगर से, देखिए कहाँ पे है ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बना है, अब देखिए नीचे साइड राइट हैंड साइड है कि नहीं है, है उसी जगह पे है, सिंपल। तो ये 60 का ये 60, और कोई 60 दिख रहा हो तो बताइए, तो आपको ये दिख रहा है तो वर्टिकल अपोजिट, ये 60 का ये 60 दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये 60 का ये 60 दिख रहा है उसे आप क्या बोलेंगे, सेम जगह है सर, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स में क्या दिख रहा है आपको, सी के साथ जी, सी के साथ जी, और आगे बताइए, तो सी के साथ आपका जी हो गया, और देखिए एच का आपका डी, कोरस्पोंडिंग आपको बहुत मिलेंगे, आई थिंक पूरे ही मिल जाएंगे, क्यों सेम जगह, देखिए जी का सी, एच का डी, अब नीचे आ जाइए ए का, तो इसमें भी नीचे आ जाइए ई, एंगल ए का एंगल ई, और इधर आ जाइए तो बी का आपका एफ, एंगल बी का एंगल एफ, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, सम ऑफ को इंटीरियर, को मतलब होता है जब हम दो की बातें करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं सर को प्राइम क्या होता है, को नेचुरल नंबर क्या होता है, को होल नंबर क्या होता है, जब दो नंबर्स एक ही फैमिली से आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, को का यूज़ कर लेते हैं, को इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल्स की बात है, अंदर की बात है, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, हम नहीं बोल रहे हैं भाई, प्रैक्टिकल देख लेते हैं, हम थोड़ी बोल रहे हैं। चलिए अंदर देखिए कहाँ पे है, तो अंदर हमें ये 120 दिख रहा है, ये 60, क्लोज कर लीजिए। अब बताइए अंदर तो हमें 60, ये 60 दिख रहा है, ये 120 दिख रहा है, यानी सी और बी ऐड करिए, 180 होता है कि नहीं होता, 120 60 होता है ना, सिंपल। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बनी, बी प्लस सी इजक्वल टू 180, क्या हमने बोला, नहीं ना, प्रैक्टिकल है आपके पास, बिल्कुल। अब आप कॉन्फिडेंशियल पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आगे देखिए, इधर भी देख लीजिए को इंटीरियर, ये 60, ये 120, 60 120 180, तो कौन सा है, ए के साथ डी, तो यहाँ भी लिख लीजिए एंगल ए प्लस एंगल डी इजक्वल टू 180 डिग्री। अब आप पूरी तरह से रेडी हैं एक्सरसाइज को करने के लिए, तो लेट्स वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 6.2। और एक बात याद रखिएगा, जब तक आपके पास पैरेलल लाइंस नहीं होगी, आप पूरे क्वेश्चंस को अभी हम स्टडी करेंगे, देखिएगा अगर पैरेलल नहीं हुई तो आप कोई भी प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर सकते, आपके सामने प्रैक्टिकल है, अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो कैसे आप करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाया। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो दो लाइन है वो पैरेलल है, हमें तो प्रूव करना है, प्रूव नहीं है तो क्या आप इसमें कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि साफ है कि हमने आप ये आपको एक्सप्लेन किया कि जब तक दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे आप कोई भी प्रॉपर्टी को टच भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, नो अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर कोरस्पोंडिंग कुछ भी नहीं, आप उसका यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने फर्स्ट में एक्सप्लेन कर दिया जब तक पैरेलल लाइन ना हो आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते, सिंपल। तो इसके लिए हमें पैरेलल प्रूव करना है, अब पैरेलल कैसे प्रूव करें, अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी पैरेलल को फॉलो करती है, पैरेलल को कैसे फॉलो करें, भाई दो लाइन तो आप हमारे सामने हैं, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी शो हो जाए, मतलब एक तो कोरस्पोंडिंग दिखा दीजिए,
अल्टरनेट इंटीरियर दिखा दीजिए, एक्सटीरियर दिखा दीजिए, सम ऑफ को इंटीरियर 180 डिग्री दिखा दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए, कोई एक प्रॉपर्टी दिखा दीजिए जिससे हम बोल सकें वी कैन से दैट ए बी पैरेलल सी डी, तभी तो हम बोल सकते हैं। लेकिन आप कोई भी प्रॉपर्टी नहीं टच कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करें। हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम कुछ नेम दे देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ए बी सी डी, इसे ई कर लेते हैं और यहाँ पे ओ कर लें, ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं पी, नेम ले लें, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे कर लें ई एंड एफ, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है ये बताइए भाई, प्रॉपर्टी नहीं सो टच कर सकती, तो हमें ए ओ ई, एंगल ए ओ ई इक्वल टू 50 डिग्री गिवन है, ठीक है भाई। 6.1 का तो यूज़ कर सकते हैं जो हमने लास्ट में पढ़ के आए हैं, कौन सा, लीनियर पेयर एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये जो लीनियर पेयर है, पेयर एंगल्स, जो अभी हम हैंड रख के आपको दिखा रहे थे कि ये 60 होगा तो ये 120 होगा, ये 120 होगा तो ये 60 होगा, ऐसे करके दिखा रहे थे, वही तो आपका लीनियर पेयर है। और दूसरा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, भाई ये तो इनकी प्रॉपर्टी नहीं है ना पैरेलल की, ये तो क्या चीज़ की है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्टिंग 8.0 इज कॉल्ड इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। तो सिंपल है, अब देखिए चलिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, पेयर एंगल्स, भाई ये हमने ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी नहीं टच की, ये लीनियर पेयर एंगल्स है। लीनियर पेयर एंगल्स क्या बोलता है कि एक कोई भी लाइन हो, उसमें से कोई भी एक रे गई हो, अगर ये 30 डिग्री है तो हमें इसे फाइंड करने के लिए हम इसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर नहीं है, बिल्कुल है, तो ये 30 है तो ये कितना होगा, श्योर है 150 होगा, कैसे, ये है आपका लीनियर पेयर एंगल्स की प्रॉपर्टी, यही होती है। तो चलिए हम भी यूज़ करें, कैसे, ये देखिए एक लाइन गई है और इसे पूरा क्लोज कर लें इतना, तो देखिए गौर से, ये 50 दिख रहा है और इधर क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो हम इसमें लीनियर पेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लीनियर पेयर एंगल्स 8.0 कहाँ पे, ओ पॉइंट में। चलिए तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे, एक्स एंगल एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180, सिंपल, सो एंगल एक्स इक्वल टू 180 माइनस 50, सो एंगल एक्स इक्वल टू 130 डिग्री। चलिए ये क्लियर हुआ कि एक्स एंगल क्या है आपका 130 डिग्री हो गया। चलिए ये हो गया, अब इधर देखते हैं जहाँ पे हमारे पास डिग्री है हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब लीनियर पेयर से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, लीनियर पेयर से हम यहाँ भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लीनियर पेयर यहाँ पे भी करें तो 50 तो ये 130 होगा कि नहीं होगा, ये रहे आपके सामने, सिंपल है, यहाँ एक्स है कुछ और लिख लीजिए, जेड लिख लीजिए, यहाँ पी क्यू सब का वैल्यू फाइंड करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिएगा वही आंसर होगा। चलिए एक्स हो गया, अब आते हैं वाई में, वाई को गौर से देखिए, यहाँ पे 130 है तो एंगल वाई कितना होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हमने अभी क्या बताया, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग 8.0 कोई भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिए इसे अगर हम यहाँ पे हैंड रख दें तो ये दो लाइन आपको दिख रही है, इंटरसेक्ट यहाँ पे हुई है पी पॉइंट पे, हुई है ना, तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल वाई इक्वल टू 130 डिग्री, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सिंपल हो गया आपका एक्स और वैल्यू। अब देखिए वाई की वैल्यू क्या हुई, 130, क्या प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जो अभी हमारे पास प्रॉपर्टी थी, तो देखिए ये 130 है ये भी 130, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, जब हमारे पास दो लाइन पैरेलल हो तभी तो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं ना। अब देखिए 130 है तो लीनियर पेयर से ये 130 है तो 50 होगा नहीं होगा, तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं हो सकता, बिल्कुल सभी तो प्रॉपर्टी दिख रहे हैं, सिंपल, ये 50 है तो 130 होगा, ये 130 है तो 50 वर्टिकल अपोजिट, ये देखिए कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंपल। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल. सो वी कैन से दैट ए बी पैरेलल सी डी. भाई पैरेलल होगा तभी तो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है. कौन सी प्रॉपर्टी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ है? ये है, ये देखिए 60 का 60 होना चाहिए, 120 का 120, यही तो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और इसमें आप देखिए ये 130, ये 130 हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप में. चलिए सेकंड नंबर देखें. इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पे देखिए टू थ्री लाइंस है ए बी सी डी और सेकंड सी डी पैरेलल ई एफ. अरे ऐसा कभी हो सकता है? मान लीजिए आपका नेम ए है, ठीक है, आपके मतलब मोहल्ले में मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड बी रहता है, ठीक है, आपके मोहल्ले में मतलब आप जहाँ रहते हैं आपके ही गली मोहल्ले में आपका फ्रेंड बी रहता है और आपके फ्रेंड के मोहल्ले में सी रहता है, तो बताइए आपका जो लाइन है वो एक ही है या डिफरेंट है? भाई आपके आपके मोहल्ले में आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है और आपके बेस्ट फ्रेंड के मोहल्ले में उनका भी एक फ्रेंड रहता है, ठीक है, तो मतलब आप तीनों एक ही लाइन पे रहते हैं ना, मोहल्ले में रहते हैं, सिंपल सी बात है. तो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो सी डी पैरेलल अगर ई एफ है, सी डी पैरेलल ई एफ, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि तीनों के तीनों पैरेलल हुए, यानी ये इसके पैरेलल और ये इसके भी पैरेलल है, सिंपल सी बात है. अब रेशियो हमने बहुत बार बताया कि कभी भी आप क्वेश्चन में रेशियो पाएं तुरंत उसे कन्वर्ट कर दीजिए किसी वेरिएबल में, बिल्कुल वेट ही मत करिए, सबसे पहले बिना रुके रेशियो देखें तुरंत चेंज कर दीजिए. लेट द रेशियो, हमारा तो हैंड ही स्टॉप नहीं होता रेशियो देख के. लेट द रेशियो आप वाई एंड जेड, थ्री है तो 3x कर लीजिए एंड 7x. चलिए थोड़ा देख भी लें y और z है कहाँ पे, ये आपका y और ये आपका कॉर्नर में z. चलिए तो हमें फाइंड करना है x, अरे x ही फाइंड करना, हमने लेट x ही कर लिया, थोड़ा सी इसे चेंज कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा. x को y z कोई भी एक अनदर नाम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने k कर लेते हैं क्योंकि x इनके साथ मैच कर जाएगा, इसे k कर लेते हैं, 3k एंड 7k. और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसे P और Q कर देते हैं, ठीक है. चलिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक से इसे क्लियर करते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, X की वैल्यू. अब यहाँ पे हमें Y और Z तो मिल गया, अब Y और Z देखें तो ये तो कोई प्रॉपर्टी लगते नहीं है, क्यों? अगर हम इसे क्लोज कर लें ये दो पैरेलल लाइन है तो ये कोई प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि अगर हम अल्टरनेट एक्सटीरियर भी करें क्योंकि बाहर है तो इसका तो यहाँ बनेगा, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ये बात याद रखिए. भाई ये इंटीरियर है अंदर, इसका अगर बनेगा तो ये एंगल बनता, वो तो है ही नहीं हमारे पास, कोई बात नहीं कुछ और देखते हैं. चलिए टू फाइंड स्टार्ट करते हैं. अब हमें फाइंड करना है एक्स, तो अगर हम ये बीच वाली जो पैरेलल लाइन है इसे थोड़ी देर के लिए क्लोज कर लें, तो ऐसा समझे ये हमारे पास लाइन है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए ऐसा क्लोज कर लें. हाँ अब बताइए, मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, अब ये दो लाइन आपको दिख रही हैं तो यहाँ पे हम चलिए शॉर्ट में बना भी देते हैं. ये आपका ए बी हो गया और नीचे है ई एफ, एक लाइन ऐसे पास हुई है, यहाँ पे जेड है या नहीं है? बिल्कुल. और ये भी अंदर देखिए जेड है, सॉरी एक्स यहाँ पे है अंदर और यहाँ पे ये जेड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं अगर पैरेलल लाइन है तो हम इसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे कोई बोलते हैं ना कॉर्नर टू कॉर्नर. आप देख सकते हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए से सी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए से सी. तो यहाँ पे देखिए बस आपको ये लाइन यूज नहीं करना है, तो सबसे पहले आप लिखिए ए बी पैरेलल ई एफ. क्या लिखेंगे? ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ एंड इसमें ट्रांसवर्सल तो वैसे भी क्लियर है पी क्यू, एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, इज द ट्रांसवर्सल, क्लियर.
अब हम प्रॉपर्टी अटेंड कर सकते हैं, तो हमें क्या फाइंड हो गया, एंगल एक्स जो होगा वो एंगल जेड के इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे हमारे जेड की वैल्यू भी है 7k। चलिए तो अगर हम जेड के प्लेस पे 7k कर दें, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास है लेट द रेशियो ऑफ वाई एंड जेड, वाई का 3k है और जेड का 7k, हमने वैल्यू भी पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए x की कुछ तो वैल्यू मिल गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि ये दो लाइन को आप देखिए AB और CD, ठीक है, इसे क्लोज कर दें, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अंदर का अंदर एक ही कॉर्नर पे। तो चलिए आपको दिखा दे रहे हैं, सबसे लास्ट नंबर हमने आपसे पहले बताया था सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। को इंटीरियर कौन कौन सा, ए से डी या बी से सी। अभी देखिएगा आपको एक्स यहाँ पे दिख रहा है और वाई यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है उस डायग्राम पे, फिर से देख लीजिए, ये देखिए एक्स ये कॉर्नर, वाई ये कॉर्नर, एक ही कॉर्नर पे हैं और ए और डी मिलके क्या बनते हैं 180 डिग्री। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं, किस कंडीशन पे, सिर्फ ए बी पैरेलल सी डी पे ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल तो वही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, इस ट्रांसवर्सल सिंपल। अब x और y को ऐड कर दीजिए, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू भी हमारे पास है 7k और y ये ऑलरेडी गिवन है, हमने लेट किया 3k कर दीजिए और ये आपकी वैल्यू फाइंड हो रही है 7 × 3 = 10k इक्वल टू 180। सो k इक्वल टू 180/10, 10 18 जा, यानी k की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब आप सभी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए वन बाय वन, एंगल x जो हमें फाइंड करना था कितना था 7k, सो 7 × k की वैल्यू आपका 18, सो 18 × 7 = 126, ये आया आपका फाइनल आंसर। लेकिन हम क्यों रुकें, y और z भी दे देते हैं, जिनके सहारे हम फाइंड किए उसे कैसे छोड़ दें। तो एंगल y जो है यहाँ पे 3k है, सो 3 × 18, 18 × 3 = 54 और z जो है वो x के इक्वल है, ठीक है, z के इक्वल है, यहाँ पे ऑलरेडी था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, किससे हम, अरे हमने यहाँ तो राइट ही नहीं किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल x का 126 तो z का भी 126, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अभी आपका कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर, अरे टू फाइंड, ये तो सॉल्यूशन था, टू फाइंड था हमें x करना था, तो टू फाइंड आप x कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ई एफ ये आपका 90 डिग्री का सिंबल ही है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक लाइन हो और यहाँ पे अगर एक लाइन स्टैंड पोजीशन पे हो और ये 90 हो, तो क्या ये 90 नहीं होगा, 100% होगा, नो डाउट। तो ये भी आपका पूरा 90 डिग्री है इस साइड। चलिए आगे देखते हैं, एंगल जी ई डी, कहाँ पे जी ई डी, जी ई डी यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका गिवन है 126 डिग्री। चलिए ठीक है, फाइंड ए जी ई, जी ई एफ और एफ ई एफ जी ई। तो थोड़ी देर के लिए आप पहले समझिए, हमने अभी स्पीच दिया, पूरी स्टडी किए पैरेलल की, पूरी प्रॉपर्टी की, तो ये जो लाइन होते हैं पैरेलल के बीच से जो जाते हैं उसे हम बोलते क्या हैं, ट्रांसवर्सल। आपको और आगे बढ़ा लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, जैसे आपका डायग्राम इतना है, आपको नहीं पसंद है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, और आगे कर लीजिए, कोई परेशान थोड़ी कर रहा है। ये एक लाइन गई, ये भी तो ट्रांसवर्सल है, इसको और आगे बढ़ा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको जाने दीजिए जहाँ जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अभी दोनों को अलग अलग करिए, चलिए हम अलग करते हैं विद डायग्राम। ये हमने देखा यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी डी है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लेते हैं, कौन सा, कोई सा भी ले लीजिए, सीधे ले लीजिए, चाहिए ले लीजिए, हम ये टेढ़ा वाला लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपका जी है, ये हमने जी ले लिया और यहाँ पे है आपका ई, ठीक है। अब ये बताइए, हमने ये लाइन नहीं लिया, तो यहाँ से यहाँ तक, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक आपका कितना डिग्री है,
126. तो भाई ये कितना होगा अगर ये दो लाइन पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या नहीं? बिल्कुल नहीं. तो भाई फर्स्ट आंसर तो आ गया ना भाई. ये अगर 126 है तो 100% ये वाला आपका 126 डिग्री होगा, जो आपका AGE है. AGE हो जाएगा सिंपल. तो आप यहाँ पे फर्स्ट राइट करिए कि AB पैरेलल CD, और ट्रांसवर्सल जरूर आपको बताना है CD, एंड ये कौन सा लाइन है आपका AE, GE है, माफ कीजिएगा, लाइन हमने ड्रा कर दिया तो थोड़ा सा. तो आप क्या लिखेंगे, एंड GE इज द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल सिंपल. अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी प्रॉपर्टी. तो भाई GED जो है, GED गौर से देखिए यहाँ पे, ये आपका है GED, यह है GED 126. तो श्योर है इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, AGE. यहाँ पे लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिंपल. अब GED हमें ऑलरेडी गिवन है 126, तो आपका AGE भी क्या हो जाएगा 126. ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया जी. अब आते हैं GEF. अब GEF को भी गौर से देख लीजिए. देखिए GEF हमें सिर्फ ये एंगल चाहिए, छोटा सा जो एंगल है, ठीक है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको ही बाहर करिए. देखिए जो आपको दिया है वही लेते हैं. GE हम लेते हैं, ये गौर से देखिए ये लाइन को, ये G है, ये नीचे आया E पे और बगल में गया D के पास, राइट? हाँ या ना? बिल्कुल. ये टोटल डिग्री कितनी है, 126 है, बिल्कुल है. एक स्टैंड लाइन है, बिल्कुल है. कितने डिग्री है ये, 90 डिग्री. क्या नेम है, F, यहाँ पे टॉप में F है. तो आप ही बताएं 126 से अगर हम यहाँ तक का एंगल माइनस कर दें, 90 माइनस कर दें, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा. तो चलिए अब बात करते हैं इन एंगल, नेम क्या है, GED. इस पे हम बात करेंगे. तो यहाँ पे देखिए GED, तो GED से हमें क्या चाहिए, GEF चाहिए. चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए GEF. तो GEF के लिए हम पूरे एंगल 126 से ये 90 माइनस कर देते हैं. इतना हम माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल ना मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा. नेम क्या है, GED माइनस FED. तो देखिए GED आपका 126 माइनस 90, सिंपल. अब 126 माइनस 90 इज इक्वल टू 36, 6 माइनस 0 6, और 12 माइनस 9 6 3 सॉरी, और ये आपका कैंसिल. तो एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री. क्लियर? और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया, प्रैक्टिकल देख लीजिए. ये आपका देखिए 120, ये मान लीजिए 126 है, ठीक है. अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक आपका 90 है, यहाँ से यहाँ तक. अब हम बोलें कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, तो काउंट कर लीजिए 10, 20, 30 और ये 36. सिंपल, आ गया 36. अब चलिए लास्ट है FGE. FGE देखिए है कहाँ पे, FGE, ये एंगल की बात हो रही है. अरे भाई ये 126 है तो ये अल्टरनेट से 126 हुआ ना, तो इसको पूरा क्लोज करके आप यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दीजिए ना. ये लाइन गई है जी पॉइंट पे, ये दो, ये 126 है तो ये कितना होगा, वहाँ पे कुछ लेट कर लीजिए. चलिए यहाँ पे एक्स कर लेते हैं, या उसी का नेम रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स 8 पॉइंट, कहाँ पे हम कर रहे हैं, 8 पॉइंट जी पे. तो 8 पॉइंट जी में 126 लिख लीजिए, एक एंगल हो गया, ये सब क्लोज हो जाएंगे, हमें सिर्फ यहीं पे वर्क करना और ये फाइंड करना है. FGE लिख लीजिए, एंगल FGE इक्वल टू 180. सो एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 126. 10 माइनस 6 आपका 4, और 7 माइनस 2 5, 1 से कैंसिल, 54 डिग्री.
ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री एंड आर एस टी 130 डिग्री, हमें फाइंड करना है QRS यहाँ का एंगल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है नीचे का पॉइंट दिया है, अब ये दो लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल तो ठीक है, ट्रांसवर्सल कहाँ लगाएं भाई, अब ये दो पैरेलल है तो इनके बीच है ट्रांसवर्सल, अब ये दो पैरेलल है इनके बीच ट्रांसवर्सल ही नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे एक हिंट दिया है, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एस टी, एस टी के एक पैरेलल ड्रा कर लीजिए, एक पैरेलल तो है एक और ड्रा कर लीजिए, पॉइंट कहाँ पे, आर पे, तो हम एक पैरेलल ड्रा करें। अब पैरेलल कैसे होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें पैरेलल हमें कैसे शो होता है, सिंपल सी बात है कि ये लाइन अगर हमें हल्की दिख रही है तो इसके नीचे एक पैरेलल होता है, तो भाई एस टी का अगर हम पैरेलल ड्रा करें तो एक लाइन ऐसे ड्रा कर लें आर से, तो जितना भी आप चाहें आप यहाँ तक पसंद करते हैं यहाँ तक करिए, और आगे करना और आगे कर लीजिए, कोई बाउंडेड नहीं है, जितनी भी लाइन चाहे। देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, हमने अभी ड्रा किया ना इसके पैरेलल, एस टी के पैरेलल हिंट पे है। अब अगर एस टी इसके पैरेलल है तो 100% इसके पैरेलल होगा, नो डाउट, वही बात आ गई ना, मोहल्ला कॉलोनी वाली बात, तो ये इसके पैरेलल। अब आप सोचे सर ये छोटा सा है ये लॉन्ग है, ऐसा नहीं होता, आप इसके आगे जितनी भी लाइन आप लंबी लाइन खींच सकते हैं खींच लीजिए, क्योंकि पैरेलल कभी भी नहीं मीट नहीं करते। अब मैथमेटिक्स में बोला गया है कि पैरेलल लाइन इन्फिनिटी मिलते तो कभी नहीं है, लेकिन ये बोला गया है आर्किमिडीज के थ्रू पे कि ये दोनों आपके इन्फिनिटी पे मिलते हैं, अनंत तो कोई देखा ही नहीं है, लेकिन एक बात है बताया गया पैरेलल लाइंस विल मीट इनफिनाइट पोजीशन, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, अब ये आपका ट्रांसवर्सल है, देखिए इसको क्लोज कर लें तो ट्रांसवर्सल बन गया है, सिंपल। अब इसको अगर हम क्लोज कर लें तो ये ट्रांसवर्सल बन गया, सिंपल। अब तो आपको आंसर ऑलरेडी मिल गया होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमने गिवन राइट कर दिया, टू फाइंड भी कर दिया, सबसे पहले हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया, तो कंस्ट्रक्ट का हम नेम ले लेते हैं यहाँ पे ई एंड एफ, तो कंस्ट्रक्शन, और इसको तो आप हम डिफरेंट टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास तो दो तीन रूल्स हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन हम पहले राइट कर लें, एट पॉइंट आर, तो सबसे पहले लिखेंगे ड्रा अ लाइन ई एफ पैरेलल एस टी, किसके, ई एफ पैरेलल एस टी या पी क्यू, जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, एस टी पासिंग थ्रू थ्रू पॉइंट आर, कहाँ से पास थ्रू हो रही है, वो आर से पास हो रही है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सो सबसे फर्स्ट हमें गिवन है कि पी क्यू पैरेलल एस टी, ठीक है, या पी क्यू पैरेलल ई एफ, हमने अभी लिया एस टी पैरेलल ई एफ, तो आप लिखिए यहाँ पे एस टी पैरेलल ई एफ, किससे, अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया, बाय कंस्ट्रक्शन, चाहे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एस टी पी क्यू पैरेलल, पी क्यू पैरेलल किसके है, एस टी के, ये कहाँ से है, ये तो गिवन है, क्वेश्चन पे ही है, किससे, बाय गिवन। तो यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन है, ये देखिए वही बात आ गई ना, मोहल्ले वाली बात, कि ये इसके मोहल्ले में है और इसके मोहल्ले में ये रहता है, तो तीनों एक ही मोहल्ले में है ना, तो सिंपल है, मीन्स पी क्यू पैरेलल एस टी, या मीन्स के मतलब आप शो कर लीजिए पी क्यू पैरेलल एस टी पैरेलल ई एफ, यानी तीनों के तीनों आपके पैरेलल हो गए, सिंपल। और इसमें अगर आप ट्रांसवर्सल देखेंगे तो क्यू आर ट्रांसवर्सल, इधर से देखेंगे तो एस आर ट्रांसवर्सल। तो क्या ट्रिक है वो आपको हम बता देते हैं, अगर हम इसे क्लोज कर लें तो ये दोनों पैरेलल हैं, ये आपका ट्रांसवर्सल है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे कोइंटीरियर एंगल अप्लाई कर सकते हैं, और सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अब इसे क्लोज कर लें तो ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका कोइंटीरियर हुआ, तो ये 130, तो ये श्योर है 50 होगा। अब ये मिल गया हमको एंगल, ये भी एंगल मिल गया, ये दोनों एंगल अगर मिल जाएँ तो अब इसे पूरा क्लोज कर लें तो हमें लीनियर पेयर से ये एंगल ना मिल जाएगा, यही तो फाइंड करना था, सिंपल। तो चलिए वही प्रॉपर्टी करते हैं, तो सबसे पहले
आते हैं वी हैव पी क्यू पैरलर, पी क्यू पैरलर क्या है ई एफ, ठीक है। तो पी क्यू पैरलर ई एफ, तो ये हम क्या करेंगे फ्रॉम को इंटीरियर एंगल से, तो वी हैव पी क्यू पैरलर ई एफ, तो हम क्या यहाँ पे राइट करेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। होता नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। अंदर के दो एंगल्स अगर आपको देखना है तो हम दिखा भी दे रहे हैं कि कौन से एंगल के हम बात कर रहे हैं, ये अंदर के 60 120। ये सबसे लास्ट में हमने प्रॉपर्टी बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो को इंटीरियर एंगल। तो अगर हम ऐसा क्लोज कर लें तो ये 110, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 110 प्लस कौन सा एंगल ई आर क्यू, ये देखिए ई आर क्यू, एंगल ई आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ई आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110। सो ई आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110 आपका 70 डिग्री। चलिए ये एंगल मिल गया हमें 70 डिग्री, क्लियर। हमें ये चाहिए ना, बिल्कुल मिलेगा। अब आ जाइए ये वाले पैरलर पे, नाउ एस टी पैरलर ई एफ, ठीक है। अब देखिए पी क्यू हमने यहाँ पे लिया था, पी क्यू पैरलर ई एफ, पी क्यू पैरलर ई एफ, और ट्रांसवर्सल तो क्या था क्यू आर, एंड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हमने नहीं राइट किया था क्यू आर, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्यू आर, और इसमें आपका ट्रांसवर्सल क्या है एस आर, ठीक है। एंड ट्रांसवर्सल, क्योंकि ट्रांसवर्सल ही सभी कुछ वैल्यू को फाइंड कराते हैं, एस आर। अब चलिए यहाँ भी देखिए को इंटीरियर, ये हो गया आपका को इंटीरियर 130 को इंटीरियर, ये वाला एंगल, तो एस यहाँ पे जो डायरेक्ट 130 लिख लीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिए एस आर ई एफ, एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू 180। सो एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 130। सो एंगल एस आर एफ इज इक्वल टू 50 डिग्री, जो हम बात कर रहे थे। अब ऊपर के दोनों को भूल जाइए, अब आ जाइए आप लीनियर पेयर एंगल, भाई ये 70 है तो इसे एक्स कर लें, चलिए एक्स कर लेते हैं, नेम ही रहन दीजिए, जो नेम है जो हमें फाइंड करना है, क्यू आर एस करना है ना। तो अब आप आ जाइए फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, पेयर एंगल्स 8 पॉइंट, कौन से पॉइंट पे आर, यहाँ पे पॉइंट आर है ना। अब गौर से यहीं से देख लीजिए, 70 फर्स्ट है, सेकंड यहाँ पे क्यू आर एस जो हमें फाइंड करना है, क्यू आर एस प्लस 50 इज इक्वल टू 180। सो एंगल क्यू आर एस 70 50 120, 120 ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री, यही आपका फाइनल आंसर है, क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल वंगल कुछ नहीं है, अगर ट्रायंगल देखेंगे तो आपसे बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसमें ट्रायंगल है ही नहीं है, ऐसा समझिए। अब सोच रहे हैं सर आप क्या बोल रहे हैं, सर ट्रायंगल ही तो दिख रहा है, तो आप ट्रायंगल देखेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, आप प्रॉपर्टी मत भूलिए ना, ट्रायंगल छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी याद रखिए, क्या आपको फर्स्ट से पढ़ाया गया। पैरेलल सी डी, चलिए ठीक है, ए पी क्यू 50 ये आपका गिवन है 127, ठीक है उसको हटा दीजिए, आप प्रॉपर्टी पे आइए, हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने आपसे क्या बताया कि अगर टू लाइंस पैरलर है और उसमें कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये आपकी लाइन दिख रही है ट्रांसवर्सल, इसे अगर मैं क्लोज कर दूं, अब देखिए ये ट्रांसवर्सल है इसलिए तो हम बोले कोई ट्रायंगल नहीं, तो इसे हम और आगे तक कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप बताइए ये दो लाइन है सेम, यही लाइन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, यहाँ पे कितनी डिग्री है ये बताइए, 50, तो बताइए ये क्या होगा, 50 डिग्री तो होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ख़त्म हो गया, कोई ट्रायंगल अप्लाई हुआ नो। तो आप लिखिए हियर ए बी पैरलर सी डी, एंड क्या ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल जरूर लिखिएगा, पी क्यू, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल दो लाइन का आंसर है इसमें,
तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए एंगल ए पी, यहाँ पे आर क्यू पी क्यू आर लिख लीजिए, पी क्यू आर इजक्वल टू ए पी और ये आपका क्यू, तो पी क्यू आर आपका एक्स है और ए पी क्यू देखिए 50 डिग्री, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। बताइए कितना टफ था, कुछ टफ नहीं था। अब आप ये वाले को क्लोज कर लीजिए और इधर आ जाइए, तो चलिए इसका भी डायग्राम बना दें। ये आपका कुछ इस तरह का दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये देखिए पी आर दिख रहा है। चलिए इसे भी राइट कर लें, पहले लिख लें। नाउ ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल चेंज कर दीजिए, पी आर है देखिए, पी आर पी पॉइंट है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे आर, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल ठीक है। चलिए अब आप बताएं, ये आपका 127 है तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये पूरा होगा ना, गौर से देखिए पूरा होगा ना, देखिए ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, यानी ए पी आर होगा, ये पूरा कंप्लीट होगा ना, पूरा कंप्लीट होगा नहीं होगा, देखिए गौर से इसको आप भूल जाइए। हाँ अब बताइए इसका अल्टरनेट ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, उसका नाम क्या है, ए पी आर। चलिए लिखिए ये ट्रांसवर्सल, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए पी आर, किसके इसके इक्वल टू क्या होगा अल्टरनेट, पी आर डी, पी आर डी। अरे यहाँ पे तो हमने रीज़न ही नहीं दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ भी आपका सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप बताएं ए पी आर क्या है, ए पी आर यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक वाई है, तो क्या हम उसे 50 प्लस वाई लिख सकते हैं इसके प्लेस में, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, टोटल एंगल तो 50 प्लस वाई है ना, इजक्वल टू यहाँ पे तो ऑलरेडी 127 है, 127 कर लीजिए, सो वाई इजक्वल टू 127 माइनस 50, ये आपका आंसर आ गया 7 माइनस 0 7 और 7 5 12 11 कैंसिल 77। तो ये आपका क्लियर हुआ और हमें यही प्रूव करना था, सॉरी फाइंड करना था x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 77। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने साइंस के थ्योरी पे उसे एक्सप्लेन किया है, उसका सिंगल वीडियो बनाया है, आप सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको हमने साइंस के लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो को सिंगल सर्च कर लीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, हमने उसे फुल एक्सप्लेन ऐसे ही किया है। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।